5 मिनट पहले हम लोग स्टोर गए थे और ये हमारी कार का हाल है। तो आज हो रहा है स्नो ब्लिजर्ड और ये चारों तरफ ये स्नो ही स्नो है। आज अभी हम लोग आए थे तो बिल्कुल स्नो नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक इतनी स्नो हो गई कि ये देखिए, और ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है अभी। आई एम फ्रीजिंग, चलिए घर चलते हैं। तो ये आ गई एप्पल पाई। अर्सी स्टीयरिंग मूविंग बाय इटसेल्फ। ये रही एप्पल पाई और ये रही मैक कैफे पाई। यहाँ पर मॉल था, फॉक्स वैली मॉल, पता नहीं क्यों ये डिमोलिश हो गया, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है कि क्या होगा इसमें, पता नहीं क्या होगा, कुछ और आएगा, पता नहीं क्या हो गया इसमें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, जैसा कि आपने क्लिप में देखा। हम लोग बस कार रख के अंदर स्टोर में गए थे कुछ ज़रूरी सामान खरीदने, और जब वापस बाहर आके देखा तो पूरी कार स्नो से ढक गई थी। खैर, यहाँ पर कार के अंदर आपको स्नो शावल रखना होता है ताकि ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप फटाफट से अपनी कार को क्लीन कर सकें। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है और बाहर से कहीं पर भी आओ तो याद आता है अपना देसी नुस्खा, गर्मा गर्म अदरक की चाय। मेल, ओ हैप्पी हॉलीडेज। ओके, ये देखो, शायद कोई अच्छा खासा गिफ्ट हो, अच्छा वाला होगा तो मैं रख लूंगी। ठीक है, ठीक है, सॉक्स निकलेगा शायद। सॉक्स मैं वो लेके आती हूँ। ठीक है, चेक आया है, बट दिस चेक केम्स फ्रॉम कॉस्को। देयर इज अ चेक। मास्क पहनिए और काम पे जाइए। यहाँ पे ये हॉस्पिटल का लोगो भी बना है और ये मास्क। अब कल से मैं बोलूँ हैप्पी हॉलीडेज, कल से यही पहन के आऊंगा। ओके, अब मिल लगा दूसरा। ओहो, अच्छा अच्छा, ये है भाई, है 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 क्या? 515 का चेक 15th मई को एक्सपायर होगा। चलो हैप्पी हॉलीडे, सही में हो गया। मास्क लगाओ, काम पे जाओ।
बढ़िया। ये चेक आया है हम लोग को कॉस्को मेंबरशिप से, यू गेट कैशबैक पॉइंट्स व्हेनेवर यू डू परचेजेस फ्रॉम कॉस्को। सो इट्स अ चेक ऑफ $58 एंड सम 13 सेंट्स। जाने दो, मेरा तो कुछ आई जाएगा इसमें। हो गया, मेरा हैप्पी हॉलीडेज हो गया। डिनर में मैं बना रही हूँ बहुत ही क्विक पुलाव। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी ले लिया है और साथ में मैं इसमें खड़े मसाले डालूंगी। खड़े मसालों में 5 से 6 मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा चक्रफूल। ये मसाले क्रैकल्ड हो जाएंगे तो मैं इसमें डालूंगी प्याज। ये लगभग 1 बड़ा प्याज है, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसका भी बस रॉ स्मेल चली जाए तब तक इसको मैंने भूनना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, जैसा नमक आप खाते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर और साथ में 2 से 3 हरी मिर्च और पनीर और साथ में ये राइस। बस अब हम इसमें डाल देंगे वाटर। लिड लगा दिया है मैंने इसमें, तो ये पुलाव बन गया, खिला खिला पुलाव बना है और साथ में ये रायता। ये तैयार हो गई मेरी पुलाव की प्लेट। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।